इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मर्ज कोरोना है पर कई जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं। अस्पताल में बेड नहीं तो कहीं पर बेड है, मरीज के पास पैसे नहीं है। हकीकत कही जाए तो गरीब का ही इम्तिहान हर जगह पर होता है। लिहाजा इसी के मद्देनजर बेलगाम अंजुमन की जानिब से हर मोहल्ले में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। वैसे भी जब से कोरोना का दौर जारी है, बेलगाम शहर में कई इदारे अपने तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अंजुमन है, इकरा है, मदीना वेलफेयर है और भी दिगर इदारे हैं अपनी कुव्वत से भी ज्यादा खिदमात अंजाम दे रहे हैं और वाकई यह सराहनीय इकदाम है। बढ़ते मरीज एक सवालिया निशान है। WHO के मुताबिक और 2 साल तक कोरोना चलता रहेगा। मरने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। बढ़ते मरीज, बंद दवाखाने, भरे अस्पताल, तमाम दुनिया इस कोरोना के सामने बेबस नजर आ रही। पर लड़ना तो है। अवाम में डर खौफ का माहौल कम हो जाए, मर्ज अगर शुरुआती दौर में हो और इसका सही इलाज है तो कोरोना भी नहीं पहुंच पाता। इसी के मद्देनजर अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम की जानिब से मुख्तलिफ मोहल्लों में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। आज पंजी बाबा कोतवाल गली मरकज खताल शाह दरगाह अमन नगर में आज मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया और अवाम को सदर अंजुमन आसिफ राजू सेठ की जानिब से यह भरोसा दिलाया गया कि किसी भी तरह की जरूरत हो तो अंजुमन अपने खिदमात अंजाम दे रहे। उमूमन लोग खांसी बुखार में डर की वजह से अस्पताल नहीं जा रहे, कहीं टेस्ट पॉजिटिव न हो जाए इसी डर से घरों में बैठते हैं और फिर आखिरी वक्त में अस्पताल जाते हैं। इसी डर को दूर करने के लिए मोहल्लों में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। पंजी बाबा मोहल्ले में डॉक्टर सलीम फनीबंद और डॉक्टर आफरीन फनीबंद जमात के जिम्मेदार अब्दुल मजीद मकानदार और दिगर मोहल्ले के लोग शरीक रहे। इसी तरह से मरकज कोतवाल गली के सदर अमनुल्ला पठान, दिगर जिम्मेदारान और डॉक्टर जिया गवास मौजूद रहे। इसके बाद खतालशा दरगाह हॉल में मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया था। वहां पर जमात के सदर अब्दुल गनी मुजावर, कारपोरेटर बाबूलाल मुजावर, डॉक्टर मुनरोज नालबंद और डॉक्टर समीना मुजावर के जेर निगरानी इस इजलास को अंजाम दिया। अमन नगर में इसी तरह से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया जहां पर डॉक्टर सरफराज जकाती और डॉक्टर आमरीन फिरदौस की निगरानी में मेडिकल कैंप के जरिए मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस वक्त कारपोरेटर फाइव नईकवाड़ी भी मौजूद थे। वाज़ा रहे कि इससे पहले भी कई मोहल्लों में अंजुमन इस्लाम की जानिब से मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया जिसके बेहतर नतीजे बरामद होते जा रहे हैं। अंजुमन इस्लाम की जानिब से ऑक्सीजन की मरीजों को तकसीम करना पूरी रियासत में इसे सराहा गया। अंजुमन इस्लाम से मुतासिर कई शहरों में इस तरह के ऑक्सीजन मरीजों को तकसीम किए जा रहे हैं और उसके नतीजे भी बेहतर साबित हो रहे हैं। इसी नहज पर खानापुर में भी ऑक्सीजन तकसीम का काम जारी है। आलिम नाइक और सादिक बड़े घर और इनके जो नौजवान एक तबका है जो मरीजों के इलाज में जुटा हुआ है और वो काम को अंजाम दे रहा है। इन्होंने भी अंजुमन इस्लाम के काम को सराहते हुए कहा और दुआएं भी दी कि इस तरह का काम पूरी रियासत में चलता रहे। खैर, अब मोहल्ले में मेडिकल कैंप के जरिए COVID-19 के मुतालिक बेदारी और इलाज की मुहिम जिस तरह से अंजुमन ने आवाम के अंदर घर घर मोहल्ले मोहल्ले तक पहुंचकर एक समझाने की कोशिश की है, इसे भी आवाम की जानिब से काफी सराहा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसके भी बेहतर नतीजे बरामद हों। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब का और जमात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आगे बढ़ के आज एक कैंप बनाने में तैयार हुए और फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये बीमारी ना तो हमने पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी। पिछले एक साल में जो हम दुनिया भर में देखते आ रहे हैं और दुनिया भर में परेशानी हो रही है, इलाज तो अभी तक हुआ नहीं है, कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुआ है। तो हमें बहुत एहतियात रख के जो हमारे डॉक्टर्स कहते हैं
जो हेल्थ डिपार्टमेंट कहता आया है कि मास्क पहनी है, सैनिटाइज करते रहिए, हाथ धोते रहिए, इससे बीमारी हमारे से दूर रहेगी और हमारे घर वालों से भी दूर रहेगी। दुआ करें कि इसके वैक्सीन बहुत जल्द से जल्द तैयार हो और लोगों को शिफा मिले। हम अंजुमन, हमारी पूरी टीम मार्च से क्वारंटाइन सेंटर्स हुए, सहरी और इफ्तियारी का जो इंतजाम करना था, जो घरों से लोग आए थे, हर चीज़ के लिए हम आगे बढ़ के आपकी दुआ और आपके ताउन से काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज पंजी भवा में एक मेडिकल फ्री चेकअप कैंप रखा गया है। इसका मकसद यह है कि लोगों के दिलों से कोरोना का खौफ और डर जो है लोगों के दिलों में जो बसा है उसको निकालना है। मैं सभी से दरख्वास्त करूंगा कि इस कैंप का भरपूर फ़ायदा उठाएं। आपको कुछ भी तकलीफ हो, शुगर हो, बीपी हो, या फिर सर्दी हो, खांसी हो, बुखार हो, जो भी हो, आप आके हमसे रब्ता कायम करें, हमसे कंसल्ट करें, हम इसके बारे में आपको एडवाइस देंगे कि क्या करना है आगे। ऐसा नहीं कि डर के आप बैठेंगे, 4-5 दिन गुजर जाएंगे तो तबीयत बहुत बिगड़ती जाएगी, तब हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले दिन ही आपको जो भी तकलीफ हो जल्द से जल्द जितना हो सके आप डॉक्टर को रब्ता करने की कोशिश करें। और एक चीज़ ये मैं आपको बोलना चाहूँगा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र ये बहुत ज़रूरी है। मास्क आजकल देखा जा रहा है कि हमारे नौजवान मास्क बिल्कुल नहीं पहन रहे और पहनेंगे भी तो उसको नीचे करके पहनते हैं, उसका कुछ भी फ़ायदा ही नहीं है। आप उसको बार बार हाथ मत लगाएं, उससे काफ़ी हद तक मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग से सैनिटाइज़र यूज़ करके काफ़ी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि इसका वैक्सीन अभी तक निकला नहीं है। पूरी दुनिया जुटी है वैक्सीन इसके तैयार करने में, और दुआ करने की भी मैं दरख्वास्त करूँगा कि जल्द से जल्द इसका वैक्सीन निकलने की आप लोग दुआ करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मेरे बुजुर्गों, भाई और दोस्तों, अंजुमन ज़िला बेलगाम की जानिब से जो है आज पंजी बाबा मोहल्ले में, पंजी बाबा शिवाजी नगर में फ्री मेडिकल कैंप चेकअप जो रखा गया है ज़ेर क़यादत हमारे राजू शेठ के, अंजुमन ज़िला बेलगाम के प्रेसिडेंट है, वो पूरे मोहल्ले में जाकर अवेयरनेस कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि लोगों के जो है दिलों में से खौफ निकलना, और जो भी ठंड बुखार सर्दी है, हर सर्दी ठंड बुखार जो है वो कोरोना नहीं होती, लोग जो है डरों की वजह से घर से बाहर नहीं निकल रहे। तो उनसे दरख्वास्त है कि अपने घरों से बाहर निकले और अपने मोहल्ले के जो डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट करें। कंसल्ट कर क्या भी अगर ज़रूरत पड़ी, हमारा अंजुमन ज़िला बेलगाम है और वहाँ सिलेंडर का भी इंतज़ाम किया गया है। इसी तरह जो है हमारे मोहल्ले में हमारी जमात की तरफ से जो है जमात की कियादत में ये काम अंजाम दिया गया। पूरे बेलगाम, पूरे शहर से हमें मुताला करते हैं कि इस जो है अवेयरनेस प्रोग्राम में हर मोहल्ले में कराएं। प्यारे बच्चों, सबसे बढ़कर हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं जो खिदमत कर देने के लिए, उनका सबका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुफ्ती साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में हमने समझाया और हमने बताया हमें, और डॉक्टर साहब ने भी बताया। वहाँ ने उलेमा भी दिया है, डॉक्टर्स भी दिया है, दवाई भी दे रहे हैं कि शायद हमारा पैर फिसल ना जाए। अस्सलामु अलैकुम। अंजुमन इस्लाम ज़िला बेलगाम के मातिहर ये आज का जो है इजलास मुनक़िद किया गया है। इसको जो है इतमाम करने वाली जो है शिफा एजुकेशनल और वेलफेयर सोसाइटी के सरगर्म अराकीन, जिसमें राजा मुल्ला और उनके हम नवा शामिल हैं। इसका खास इस इजलास का खास मकसद ये है
कि ये बीमारी को किस तरह से रोकथाम किया जाए। और कई महीनों से जो है अंजुमन इस्लाम जिला बेलगाम राजू शेठ साहब जो सदर साहब हैं अंजुमन इस्लाम के, उनके और उनके हम नवाओं ने मिलकर इस बीमारी के निस्तार के लिए कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर जिया गवास यहाँ पे जो है अंजुमन इस्लाम की जानिब से और जो सिपाही एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो है फ्री हेल्थ कैंप का इंतजाम किया गया है। और हमें इसका मकसद ये है कि जो जो लोग घर में बैठे हैं, जो आ नहीं पा रहे घर पे, डर के जो घर पे है, उन्हीं के लिए फ्री हेल्थ चेकअप किया गया है कि उनके जो भी माइनर एलिमेंट्स हैं तो उनको दूर किया जाए। जब सर्दी खांसी बुखार जो घर में लेकर बैठे हैं वो असिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, सिम्टोमेटिक भी हो सकते हैं, उनकी वजह से जो है बहुत सारों को नुकसान होने का अंदेशा है, कम्युनिटी स्प्रेड होने का अंदेशा है। इसलिए जो है कि जितना हो सके डॉक्टर को अगर आप दिखाएंगे, जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर की कंसल्ट में रहेंगे, इंशाल्लाह ये बीमारी दूर हो सकती है, इसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाँच महीने से दर्द में करते आ रही है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारा बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। मैं डॉक्टर मनरोज नालदन आज इस प्रोग्राम में हम लोग शामिल हुए हैं और ये ज़िला बेलगाम अंजुमन की तरफ से जो है प्रोग्राम का आगाज़ हुआ है। तो अल्लाह ताला इन लोगों को भी जो है जजाए खैर दे कि ये प्रोग्राम इन्होंने किया है। और ऐसे प्रोग्राम्स का होना बहुत ज़रूरी है हालात के हिसाब से, क्योंकि जबकि लोग बहुत डरे हुए हैं और परेशान हैं तो ऐसे प्रोग्राम्स होने से इनको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आज की हालात के हिसाब से कि हमको क्या करना है, परेशान होना नहीं है। और बहुत सारे कामों पे यानी जो हमको अपना ध्यान देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो यानी मास्क का मामला हो, ये जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो चीज़ें दी गई हैं, समझाई गई हैं इस बीमारी के तहत से, उस पर हम लोग अमल करें, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको सभी को पता है कि कोविड पैंडेमिक चल रहा है, हम सबको प्रिकॉशंस लेना चाहिए, हम सबको अपना देखभाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सभी के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल है, आज तक हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए एंड घर एक्चुअली सभी घर पे एक पल्स ऑक्सीमीटर रखना चाहिए, थर्मामीटर रखना चाहिए डेली। आप थर्मामीटर पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह बेलोस खिदमत जो है अंजाम दिए जा रहे हैं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई सियासत नहीं, आपको मालूम है कोई इलेक्शन भी नहीं है, लेकिन एक बीमारी है, एक कोरोना वायरस है। इस बीमारी की वजह से अपनी जान को बचाना है, हम खुद बचाना है, इसे तालियां मारने की या वाह वाह करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये बीमारी से मैं कैसे लड़कर कैसे बच जाऊं, और ये बीमारी खत्म नहीं हुई है, ये बीमारी शुरू हुई थी और अभी खत्म नहीं हुई है। हमें इस बीमारी से लड़ना है और किस तरह से लड़ना है, हम खुद जो है इस बीमारी को घरों में रहकर गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिए, गले में अगर खांसी वगैरह है तो इंशाल्लाह भाप लीजिए, छोटे छोटे चीजें हैं, दूध पीजिए हल्दी डालकर। बाकी मेडिकल लाइन से आपको डॉक्टर साहब थोड़ी बहुत मालूमात देंगे।